मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लस वन अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हम ये जान लेंगे कि अकाउंट है क्या और उसकी नीड क्या है। कोई भी काम करने से पहले उसकी नीड को महसूस करना बहुत जरूरी है कि हम वो काम कर क्यों रहे हैं। तो हम क्यों पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के बारे में हमें क्यों जानना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा डाटा होता है जो हम माइंड में सेव नहीं कर, मतलब उसको याद नहीं रख पाते हैं। उसके लिए हमें अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग की जरूरत हमें जो है डाटा सेव करने के लिए पड़ती है। जिस तरह से मोबाइल्स नंबर होते हैं, हम बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर हम याद नहीं रख सकते, तो हम उसको मोबाइल में सेव करते हैं। सेम दैट की जो बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन होती है उसको हम सेव करने के लिए एक बुक का यूज करते हैं। जिस बुक पर उस डाटा को सेव करते हैं उसे अकाउंट बोलते हैं, और जो उसका लिखने का जो प्रोसीजर होता है उसे अकाउंटिंग बोलते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम सेव करते हैं अकाउंट में, उसको लिखते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है क्या? बिजनेस का मतलब कि कोई काम करना पैसा कमाने के लिए, और ट्रांजैक्शन कोई लेन देन करना, यानी कि कुछ ऐसे लेन देन करना कि जिससे कि पैसा कमाया जा सके। बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे कि हम कोई भी गुड्स सेल परचेज करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, बदले में हम उनसे मनी लेते हैं, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन। या फिर ट्रांजैक्शंस में कच्चा माल खरीदना, उसको माल को पकाने के लिए जो लेबर पे की जाती है, बिल्डिंग का रेंट पे किया जाता है, मशीनरी का रेंट पे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया जाता है, या डिस्काउंट दिया जाता है या डिस्काउंट लिया जाता है, इस तरह से बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, वो होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसको सेव करने के लिए अकाउंट का हम यूज करते हैं। ये था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की, सॉरी नीड ऑफ अकाउंटिंग, कि डाटा को सेव करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जो है अकाउंटिंग की हमें जरूरत पड़ती है, ये नीड ऑफ अकाउंटिंग है। मीनिंग क्या है कि डाटा को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना। डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट इन 1941। अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, यानी कि अकाउंटिंग एक कला है। क्या कला है? डाटा को रिकॉर्ड करने की, उसको क्लासिफाई यानी कि अलग अलग करने की, समराइजिंग उसके रिजल्ट निकालने की। जिस तरह से क्लास में टीचर जो है टेस्ट लेते हैं, वो अपनी डायरी पे बच्चों के नंबर रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्लासिफाई की अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर रिकॉर्ड कर लेते हैं, समराइजिंग की उसकी परसेंटेज निकालते हैं कि बच्चा 60% वाला है, ये 70% वाला है। फिर उनके पेरेंट्स को बताया जाता है, उनके रिजल्ट को तैयार करना, इंटरप्रेटिंग, फिर उनके पेरेंट्स को बताना कि रिजल्ट क्या रहा है, दैट इज कम्युनिकेटिंग, बच्चों को बताना, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है रिजल्ट का। तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, कि डाटा को रिकॉर्ड करना मीन्स सेव करना, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, उनके रिजल्ट्स तैयार करना कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शन से, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग तैयार करना। रूल्स के अकॉर्डिंग तैयार करने को अकाउंटेंसी बोलते हैं, कि कौन से रूल फॉलो होंगे, क्या डेबिट किया जाएगा, क्या क्रेडिट किया जाएगा। ये डेबिट क्रेडिट क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग उस डाटा को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको समराइजिंग करना, एंड इन टर्म ऑफ मनी। इन टर्म ऑफ मनी का मतलब कि पैसों के रूप में हम अकाउंट में जो भी डाटा रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ उसी डाटा को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजरमेंट हो सकता है। कि देखो कि अगर बिजनेस के अंदर चार टेबल यूज हो रही है बिजनेस करने के लिए, तो हम चार टेबल नहीं लिखेंगे, चार टेबल की मनी वैल्यू लिखेंगे। तो इन टर्म ऑफ मनी का मतलब मनी में उसको मेजरमेंट करना। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, लेन देन है, जो भी इवेंट्स हैं, उन सबको पैसों में मेजरमेंट करके फिर अकाउंट्स में लिखा जाता है। उनकी नंबरिंग नहीं लिखी जाती, उनकी मनी वैल्यू लिखी जाती है, मीन्स इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर्स
यानी कि जो फाइनेंस करेक्टर में आते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, इंटरप्रेटिंग मतलब कि रिजल्ट को तैयार किया जाता है कि कितना बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या कितना बिजनेस को लॉस हुआ है, ये सारी बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करके एक रिजल्ट तैयार किया जाता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग करने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अकाउंट में वो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग जो है प्रोसेस है वो प्रोसेस यानी कि जो स्टेप है वो क्या है, कि सबसे पहले अकाउंट तैयार करने के लिए पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है ये प्रोसेस है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना, किसी को पहचानना, कि ट्रांजेक्शन को पहचानना, कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है, जो बिजनेस से लिंक नहीं है उस ट्रांजेक्शन को अवॉइड करना है, जो बिजनेस से लिंक है सिर्फ उसी लेन देन को, उसी ट्रांजेक्शन को अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, बाकी किसी टर्म को नहीं करना। सेकेंड इज कि मेजरिंग, अच्छा आइडेंटिफाई में से जो है बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है, जैसे कि किसी और बिजनेस का साथ वाली शॉप का कोई लॉस हो गया तो वो हमारे बिजनेस से लिंक तो नहीं है ना, उसको हम अपने अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारे बिजनेस से लिंक है, या घर पर जो कुछ नुकसान हुआ है या घर पर कोई प्रॉफिट हुआ है, या आप बिजनेस करते हो, आपके फादर जॉब करते हैं, जॉब से जो उनको सैलरी मिल रही है उस सैलरी को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंट में, तो जो आप बिजनेस कर रहे हो उस अकाउंट में आप अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेकंड इज मेजरिंग, आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है कि बिजनेस की आपकी ट्रांजैक्शन कौन सी है, उसको मेजर करना मनी में, उसको मनी वैल्यू में उसको काउंट करना है, उसके बाद ही आप इसमें लिख सकते हैं कि अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, ये नहीं कि 10 यूनिट खरीदा है, 10 यूनिट नहीं, उसकी मनी वैल्यू कितनी है, आपने कितने रुपयों का खरीदा है, आप ये लिखेंगे। बिल्डिंग का रेंट आपने 4 मंथ का पे किया है तो 4 मंथ रेंट पे नहीं लिखा जाएगा, 4 मंथ का आपने रेंट पे कितना किया है साल में वो लिखा जाएगा। तो मेजरिंग में कि मनी वैल्यू निकालना, पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहचानना कि आपकी बिजनेस से लिंक ट्रांजेक्शन कितनी है, कितनी सेल परचेज, कितना रेंट एक्सपेंसेस इनकम कितनी है, वो सारी पहचानना, फिर उनको मनी में मेजरमेंट करना। थर्ड इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब लिखना, उसको बोलते हैं जर्नल। सबसे पहले जब अकाउंट में हम ट्रांजेक्शन को लिखते हैं उसको जर्नलाइजिंग बोला जाता है, उसी को रिकॉर्डिंग बोला जाता है। जर्नल में आप सारी ट्रांजेक्शंस लिख लेते हैं कि ये लेन देन हुए हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप एक ही बुक में लिख सकते हैं, बिजनेस अगर बड़ा है तो जर्नल की अलग अलग बुक्स खोली जाती हैं। जैसे सेल बुक खोल ली तो उसमें सिर्फ सेल ट्रांजेक्शन लिखी जाएंगी कि कहाँ कहाँ कितना माल बेचा, अगर परचेज बुक है तो उसमें सिर्फ परचेज की, परचेज रिटर्न बुक है तो उसमें कितना माल वापिस किया वो लिखा जाएगा, सेल रिटर्न बुक में सेल कितने, जो हमने सेल जो किया था, जो भी माल हमने कुछ सेल की थी वो कितनी रिटर्न हुई है वही लिखी जाएगी। इस तरह से जर्नल की अलग अलग बुक्स खोल ली जाती है जब बिजनेस बड़ा होता है। देन फोर्थ इज क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब उस डाटा को अलग अलग करना, लेजर करना, कि सबके अलग अलग अकाउंट बना लेना, जितनी भी हमने जर्नल में ट्रांजेक्शन लिखी है, जितने भी लेन देन लिखे हैं उन सबके अकाउंट अलग अलग खोल देना। जैसे कि हमने मोहन से 5000 का माल जो है परचेस किया है, 5000 की गुड्स हमने परचेस की है, तो मोहन वर्ड आया तो मोहन का अकाउंट खुलेगा, हमने जो है परचेस किया तो परचेस अकाउंट खुलेगा। तो इस तरह से इसमें जितने भी वर्ड आए हैं, जितने भी हमने जर्नलाइजिंग की है, सबके अलग अलग अकाउंट खोले जाएंगे। हमने राम को डिस्काउंट दिया 5%, तो राम का अकाउंट भी खुलेगा, डिस्काउंट अकाउंट भी खुलेगा। हमने रेंट पे किया है तो रेंट कैश में पे किया है तो रेंट अकाउंट भी खुलेगा, कैश अकाउंट भी खुलेगा। तो इसमें क्या है, लेजर में क्या है, सबके अलग अलग अकाउंट खोल दिए जाते हैं और उनके बैलेंस निकाले जाते हैं। उसके बाद है समराइजिंग, लेजर के बाद जो है, जो समराइजिंग में क्या है कि लेजर के बाद जो जो बैलेंस आए हैं वो बैलेंस जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, इन सब के जो है बैलेंस ट्रांसफर किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, किसका डेबिट बैलेंस आया है, किसका क्रेडिट बैलेंस आया है। ट्रायल बैलेंस की दो साइड है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। जिसका डेबिट बैलेंस आया लेजर से उसको डेबिट साइड लिख देंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस आया है उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डेबिट क्रेडिट क्या है और डेबिट क्रेडिट कैसे किए जाते हैं।
ट्रायल बैलेंस में बैलेंस आने के बाद हम समराइजिंग करते हैं कि रिजल्ट तैयार करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक खाता, कि जो जहां पर कच्चा माल आकर तैयार होता है जिसको इंडस्ट्री बोलते हैं, जहां पर कच्चे माल की फॉर्म को चेंज किया जाता है, माल को तैयार किया जाता है, यानी कि फैक्ट्री, फैक्ट्री की एक्सपेंसेस इनकम सारी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाती है। फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ है, कितनी सेल हुई है, कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, पहले से माल कितना बड़ा था, लास्ट में कितना बच गया, हमने कितना माल खरीदा, कितना वापिस किया, फैक्ट्री का किराया कितना भरा, फैक्ट्री में बिजली कितनी खपत हुई, ये सारा कुछ इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। इसका बैलेंस निकाल कर या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है, यानी कि फैक्ट्री में से कितना प्रॉफिट बचा है या कितना लॉस बचा है, वो ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। अब इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसमें सारे ऑफिशियल यानी कि इनडायरेक्ट, उसमें क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाले जाते हैं, इसमें इनडायरेक्ट यानी कि सारे ऑफिशियल जो खर्चे हैं सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसकी डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है, डेबिट साइड सारे खर्चे डाल दिए जाते हैं, और क्रेडिट जो भी इसमें माल को बनाने के, गुड्स को बनाने के जो है एक्सपेंसेस इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, गुड्स को सेल करने की इसमें आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि हमने जो है एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी पे की, ऑफिस का कितना रेंट आया, रेंट पे किया, या किसी को कितना डिस्काउंट दिया, या हमारी फर्म को कितना डिस्काउंट मिला, या टैक्स कितना पे किया, इंश्योरेंस कितना पे किया, ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो इससे पता चलता है कि फर्म को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। लास्ट में बैलेंस शीट तैयार की जाती है। बैलेंस शीट क्या है, एसेट और लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करना है कि फर्म के पास कितनी संपत्ति है जिस पर उसका राइट है, उसको सेल करने का राइट है, वो सारी एसेट जो है बैलेंस शीट में दिखाई जाती है कि फर्म की प्रॉपर्टी कितनी है। जैसे फर्नीचर लगा लो, प्लांट लगा लो, मशीनरी लगा लो, या स्टॉक लगा लो, जो भी माल पड़ा है वो भी बिजनेस का उस पर राइट है ना, तो उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा जाता है। या फिर जो एडवांस एक्सपेंसेस पे किए हैं वो भी है जो एसेट साइड में लिखी जाती है। बैलेंस शीट में एक आती है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड की हमने जो पे करनी है, लाइबिलिटी भी इंटरनल भी हो सकती है एक्सटर्नल भी। इंटरनल जो पार्टनर है उनकी कैपिटल फर्म ने पे करनी है या उनको प्रॉफिट पे करना है, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी होगी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी की जो हमने बाहर का जो लोन पे करना है किसी पर्सन से या बैंक से हमने लोन ले रखा है, जो भी हमने शेयर डिबेंचर इशू किए हैं, लोगों की कैपिटल हमने वापस करनी है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी आ जाएगी। या किसी से उधार माल खरीदा था उसको पेमेंट करनी है, तो लाइबिलिटी और एसेट को हम रिप्रेजेंट बैलेंस शीट में करते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, इन सारी तीनों चीजों का विश्लेषण करके कि फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी फर्म के पास प्रॉपर्टी है, कितना बाहर का पैसा पे करना है, कितना इंटरनल लाइबिलिटी है, ये सब चीज को एनालाइज करके हम एक रिजल्ट तैयार करते हैं कि फर्म की पोजीशन क्या है, फर्म किस पोजीशन पे जा रही है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, किस क्या ग्रेड चल रही है फर्म की, तो उसकी जो है फ्यूचर उसका फर्म का क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में कितनी सेल हो सकती है, कितनी प्रोग्रेस कर सकती है या डाउन जा सकती है मार्केट, सब चीजों को एनालाइजिंग किया जाता है कि पिछले साल कितनी सेल हुई थी उस पर कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितनी सेल हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, आने वाले टाइम में फर्म की पोजीशन क्या होगी, सब को इंटरप्रेटिंग किया जाता है, सारा एनालाइजिंग किया जाता है, एक रिजल्ट तैयार किया जाता है। जैसे हम स्कूल में बच्चों का रिजल्ट तैयार करते हैं कि सेवंथ में इसके इतने मार्क्स थे, एट्थ में इतने मार्क्स आए हैं, ये बच्चा जो है डेवेल्प करेगा या इसकी पोजिशन डाउन जा रही है, इस तरह से रिजल्ट तैयार किए जाते हैं। देन कम्युनिकेटिंग, जैसे हम बच्चों के पेरेंट्स को रिजल्ट बताते हैं, बच्चों को रिजल्ट बताते हैं ताकि वो आने वाले टाइम में ध्यान रखे, नेक्स्ट ईयर से वो स्टडी पर ज्यादा कंसंट्रेट करे, सेम दैट की कम्युनिकेटिंग जो फर्म से लिंक जितने भी जो लोग हैं, फर्म से लिंक क्यों कौन हो सकते हैं, जिन्होंने फर्म को लोन दे रखा है, अब वो भी तो इंटरेस्टेड होंगे ना रिजल्ट जानने में कि फर्म की पोजिशन अच्छी है, तो वो हमारा लोन टाइम पे वापस कर देंगे, हमें विद इंटरेस्ट वापस कर देंगे। अगर फर्म की पोजीशन अच्छी नहीं है तो उनको लोन नहीं, फर्म को वो लोन नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि फर्म की पोजीशन जो रिजल्ट है अच्छे नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर से हम उनको लोन नहीं देंगे, टाइम पर हमें इंटरेस्ट नहीं पे कर सकती फर्म। तो और कौन हो सकते हैं इसके इम्प्लॉय, इम्प्लॉय देखेंगे कि हमारी सैलरी इंक्रीमेंट कितना लग सकता है, फर्म की इस साल कंडीशन क्या रही है, वो भी देखेंगे कि सैलरी में 10% इंक्रीमेंट लगता है, 20% बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कौन हो सकते हैं इनसे लिंक, इन्वेस्टर जिन्होंने भी पैसा लगाया है फर्म के, शेयर डिवेंचर खरीदे हैं, बैंक जिन्होंने बैंक में लोन दिया है,
तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देखेगी रिजल्ट, देखे इस फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इस पर कितना टैक्स लगाना है, इसकी टैक्स रेट क्या होगी, अगर लॉस हुआ है तो फर्म को इकोनॉमिक हेल्प गवर्नमेंट करती है उसको, ताकि उसकी जो उस फर्म जो है वो शट डाउन ना हो जाए, इस तरह से गवर्नमेंट उसकी हेल्प करती है सब्सिडीज देकर। तो कम्युनिकेटिंग में गवर्नमेंट आ जाती है, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज आ जाते हैं, जो भी फर्म से लिंक लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है उनको कम्युनिकेट यानी कि उस रिजल्ट्स को बताया जाता है। ये था आज प्लस वन अकाउंट का इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अकाउंटिंग में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग।